श्री हरिविराट संकीर्तन सम्मेलन समिति के तत्वावधान में हिंदू मॉडल इंटर कॉलेज में 78वें वार्षिक अधिवेशन का मंगलवार को समापन हुआ। सुबह के सत्र में रासलीला हुई और शाम के सत्र में प्रवचन हुआ। श्री राम श्याम लीला संस्थान वृंदावन के व्यवस्थापक स्वामी लेखराज ओम प्रकाश के निर्देशन में हुई रासलीला में अभिमन्यु वध का मंचन हुआ। महामंडलेश्वर स्वामी नवलगिरी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही सब तीर्थ है, इसीलिए माता पिता की सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानकर उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। बच्चों में बचपन से ही संस्कार देने की आवश्यकता है। बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करें। बच्चों से कहें कि वो नमस्ते की जगह राम राम कहें, इससे वो ईश्वर के नाम का ध्यान करते रहेंगे। बच्चों को दिए गए अच्छे संस्कार ही उनके जीवन की जमा पूंजी है। पंडित बृजेश पाठक रामायणी ने कहा कि रामचरितमानस हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। महामंडलेश्वर स्वामी स्वरूपानंद और महंत शंभुनाथ व्यास ने भी भक्तों को संबोधित किया। मंत्री विजय कुमार अग्रवाल ने अधिवेशन की आख्या प्रस्तुत की। समिति के प्रधान ने सभी का आभार जताया। इस अवसर पर संरक्षक विजय मोहन अग्रवाल, प्रदीप अग्रवाल, महावीर प्रसाद अग्रवाल, सुनील गोयल, पंकज मेहरोत्रा, चक्रेश लोहिया, चमन कक्कड़, सुरेंद्र अग्रवाल, विनीश माथुर, अतुल कपूर, सुरेंद्र वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। राम नाम लक्ष्मण दो भाई संग नारे सुकुमार सुहाई यहाँ हरी निश्चर वैदेही बे प्रफिनय हम खोजते ही। और जब प्रभु राम ने इस प्रकार अपना परिचय दिया, हनुमान जी महाराज ने प्रभु राम को पहचान लिया, बोले प्रभु पहचान चलना सो सुख उमा जाए नहीं बरना। हनुमान जी महाराज के परम प्रेमास्पद प्रभु राम के परम पावनतम पादारविंदों को पकड़ते हुए कहा, प्रभु आपका परिचय सुनने के उपरांत मैंने आपको पहचान लिया और आपके आने का उद्देश्य भी जान लिया।